गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास थर्ड में आपका रिवीजन टेस्ट लेने जा रही हूँ हिंदी का, जो पार्ट वन और टू दोनों में वैसे मिक्स करके मैंने आपको दिया है। तो आप कॉपी पर बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी सबसे ऊपर क्योंकि आपका रिवीजन टेस्ट है तो अभ्यास परीक्षा लिखेंगे। ये एक्चुअली हम यूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब यूटी होगा तो यहाँ अभ्यास परीक्षा की जगह इकाई परीक्षा यानी यूनिट टेस्ट आएगा। उसके बाद आप आपकी क्लास डालेंगे जो कि मैंने यहाँ डाल कर दी है कक्षा तीसरी, विषय आपका हिंदी है तो हिंदी डालेंगे, फिर इसके बाद अपना खुद का नाम डालेंगे, सारे बच्चे अपना खुद का नाम डालेंगे यहाँ जो स्पेस मैंने ब्लैंक छोड़ा है, फिर उसके नीचे आप रोल नंबर डालेंगे और डेट ज़रूर डालेंगे आज की, फिर इसके बाद जो मैंने टेस्ट दिया है बिल्कुल इसी तरीके से उतारेंगे जैसे मैंने आप यहाँ पेपर में आपको उतार के दिया है। सबसे पहले मैंने क्या दिया है, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे दो ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही दोनों ऑप्शन उतारने हैं और जो राइट आंसर होगा उसको राइट टिक लगा देंगे। इसमें से जो भी आपको राइट आंसर लगता है, अगर आपको लगता है ये राइट आंसर है तो यहाँ टिक लगाएंगे, अगर ये लगता है तो यहाँ। इसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, पेड़ों को काटने से किसकी हानि होती है, तो धन की या स्वास्थ्य की, दोनों ऑप्शन आपको उतारने हैं और जो राइट लगता है आप उसी को टिक लगाएंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न में आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे रफ कॉपी में और मुझे सेंड करेंगे। फिर दूसरा देखिए क्वेश्चन है आपका, शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ मैंने चार शब्द दिए हैं, स्पेस दिया है जहाँ आपको अर्थ लिखने हैं, बिल्कुल ऐसे ही शब्द के सामने उनके अर्थ लिखते जाएंगे, जैसे किरण के सामने किरण का, जग के सामने जग का, सुहावना के सामने उसका, इसी तरह से ये शब्द अर्थ हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड आपका पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ शब्द दे रखे हैं, उसके आगे स्पेस दिया है लिखने का, यानी फूल को और क्या क्या कहते हैं वो यहाँ लिखेंगे, सूरज को और क्या क्या कहते हैं वो इसके सामने, पेड़ को और क्या क्या कहते हैं वो उसके सामने। फिर फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है रिक्त स्थान भरो, तो रिक्त स्थान देखिए, रवि को डैश कहानी सुना रहा था तो इसका आंसर यहाँ फिल कर देंगे, रवि ने हर रविवार एक डैश लगाने की प्रतिज्ञा ली तो यहाँ फिल कर देंगे इसका आंसर, रवि के घर के सामने डैश था तो यहाँ आंसर फिल करेंगे। और इस बार आप अपने ये सारे आंसर जो रफ कॉपी में नोट कर रहे हैं इसको इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि किसमें सॉल्व, सॉरी मेरे इस नंबर उस नंबर पर सेंड नहीं करेंगे क्लास ग्रुप पर, बल्कि मैंने यहाँ नीचे आपको एक फ़ोन नंबर दिया है जो कि मेरा अपना पर्सनल नंबर है, यानी सब्जेक्ट टीचर का नंबर है ये आपका, जो आपको हिंदी पढ़ाती हैं, तो आप उसके उनके उस नंबर पर ही सेंड करेंगे। यानी अब जो होमवर्क आज जो होमवर्क आप जो सेंड करेंगे जो आरटी, तो उसको सॉल्व करने के बाद आप इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे इस आंसर्स इन आंसर्स को सेंड करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।